देवभूमि उत्तराखंड में अवैध मदरसों को लेकर अब मदरसा बोर्ड सख्त रुख अपना रहा है। दरअसल प्रदेश में संचालित हो रहे अवैध मदरसे हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, जिसके चलते पिछले दिनों देहरादून में राज्य बाल आयोग की टीम ने आजाद कॉलोनी में चल रहे मदरसे का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान जाँच में मदरसे का रजिस्ट्रेशन नहीं मिला और बच्चों को अव्यवस्था में रखा हुआ था। वहीं उधम सिंह जिले के रुद्रपुर में भी अवैध मदरसे में मौलाना ने कई बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया। इन सब घटनाओं के सामने आने के बाद अब मदरसा बोर्ड राज्य में बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। इसी को लेकर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती कासमी ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। क्यों नहीं कराना चाहते, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी है कि जिसे छुपाना चाहते हैं। अगर आपको ये कहा जा रहा है अपना हिसाब किताब सही रखिए, ये तो सरकार आपको हर तरह की सहूलत फराहम कर रही है। ये सेकुलर सरकार, हमारी भारतीयों की सरकार, ये अंग्रेजों की सरकार नहीं है, ना मुगलों की सरकार है, ना अंग्रेजों की सरकार।